हिंडौन भादरा से होकर के जब सत्ता आ रहा था तो रस्ते में तीन चार जगह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव में मैं रुकता हुआ आया और वहां मुझे आम ये शिकायत लोगों ने करके बताई कि यहां शाम को 5 बजे के बाद कोई ऐसा लिंक रोड नहीं है जिसके ऊपर नशे बेचने वाले लोग गाड़ी और मोटरसाइकिलों से आकर के खड़े होते हैं। पुलिस को जब कंप्लेंट की जाती है ये बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस उन लोगों को पकड़ने की बजाय समय देती है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बाद में पहुंचती है और वहां पहुंच करके शिकायतकर्ता से जाकर के पूछती है कि तैने हमें शिकायत करी है वो नशा बेचने वाले का है। तब तक वो लोग वहां से निकल जाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि तू हमारा समय खराब कर रहा है। एक तरफ तो हम नशे के रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति की सोच है कि खत्म, और दूसरी तरफ ऐसी हालत है तो फिर ये मान करके चलो कि इसका क्या इलाज होगा, इसको इसको कैसे रोका जा सकता है। जब नशा बेचने वालों को पुलिस का संरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, जब उनको मौका मिल जाएगा भागने का, तो फिर वो कैसे रोकथाम हो उसके इलाजा में आपके प्रशासन की दो चीजें और भी आपसे बतानी। मैंने स्वयं मेरा जो गोदलिया वो गांव था उस गांव के सरपंच के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में शिकायत भेजी थी कि वहां पे मैंने जो गोदलिया गांव के मुताबिक जो पैसा गांव में खर्च करने के लिए दिया, जो सरकार ने 1-1 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया उसमें खर्च करने के लिए दिया था, मैंने कहा कि उसकी जांच करके मुझे बताया जाए कि क्या वो पैसा सही ढंग पे सही जगह पे लगा गया। आज 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मुझे उसकी कोई अब तक आंसर किया गया कि हमने उस पर क्या किया। इसी तरीके से अभी आप जैसे शिकायतें सुन रहे थे और साथ साथ आप कह रहे थे कि हम इसका निपटारा कर रहे हैं, हमारे जसानिया गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां के सरपंच को अरे एक मिनट उसको सजा आप तक एक तरह से सरपंच की सारी जो उसके खिलाफ कंप्लेंट थी उसको सुन लिया गया और उसको दोषी मान लिया गया, लेकिन आज तक उसको दोषी करार देकर के सस्पेंड नहीं किया गया। आज भी वो गांव में उसी तरह से धड़ेले सरपंच के पद पे बैठ करके काम कर रहे हैं। जोगीवाड़ा गांव का मेरा सरपंच है, हरिजन जाति से संबंध रखता है, उसको गालियां दी गई, उसके साथ मारपीट की गई, उसके घर में जाकर के उसके कपड़े फाड़ दिए गए। उसने पुलिस में जब कंप्लेंट करी तो पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के बजाय दोषियों को प्रोत्साहन दिया। आज ऐसी हालत है कि 2 लोग उनमें ऐसे हैं जो लड़कियों के स्कूल के आगे बैठ करके दारू बेचते हैं। मैंने सदन डीएसपी से कहा अरे बेटा भले आदमियों कम से कम लड़कियों के स्कूल के आगे कोई दारू बेचता है तो उनको तो आप जाकर के रोकने का काम करो, अगर वो मुजरिम है तो उनको अरेस्ट करो, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरीके से एक और मैं आपको घटना बताता हूं, इलेक्शन के दौरान एक गरीब आदमी अपने खेत में मजदूरों की दिहाड़ी के पैसे लेकर के जो मजदूर मार से आए थे राजस्थान चुगाई के पैसे देने के लिए गया, उसके चुगाई के पैसे एक मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाला था उसके बेटे ने छीन लिए। एडीसी मौके पे पहुंची, जाकर के इन्होंने पुलिस को कहा कि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो जिसने पैसे छीने, मोबाइल छीना। मैंने एसपी साहब से सघन कई बार इस बारे में चर्चा करी कि मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए गरीब आदमी के, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आज तक उन लोगों को किसी को आपने अगले महीने सुनेंगे इनका मैं आपको जवाब दे दूं। इसका मतलब आपने नशे के लिए मेरे को पत्र लिखा था, मैंने उसी वक्त उसको डीजीपी को एक्शन लेने के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया था और मैंने डीजीपी को कहा है कि इस पर कार्रवाई करके मुझे बताएं। जहां आपने बाकी विषय बताए हैं जो अभी सारी आपने बातें बताई हैं उसके लिए डीसी और एसपी ने नोट कर ली होंगी, अगली मीटिंग में उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ यहां कमेटी में पेश की जाए, वो सारी की सारी जो चाहे वो 1 करोड़ रुपए की बात है, चाहे सरपंच को गैर चाहे मोबाइल छीनने की बात है, विद एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली मीटिंग में पेश किया जाए। एक हमारे बीजेपी के महामंत्री ने बताया कि इसका कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि इसमें कितनी को
कौन कौन से एप्लीकेशन है रीसेल, वो आप क्राइटेरिया बना लो, कोई कमेटी बना लो, उसमें कोई अपने ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर भी रख लो और उसका क्राइटेरिया बना के उसके मुताबिक जितनी एप्लीकेशन आपने इसमें रखनी है वो एप्लीकेशन है इसमें रखनी है।